कमेंट में फटाफट से बता दीजिए कौन कौन बच्चा आ गया, जल्दी से जल्दी कमेंट में बस एक बार बता दीजिए कौन कौन है, ठीक है। वैसे तो 700 बच्चे दिख रहे हैं मेरे को, बस एक बार कमेंट करके बता दो, फिर मैं अपन शुरू करते हैं अपनी क्लास को। जल्दी शुरू से लेके एंड तक सब कुछ पढ़ेंगे। चलिए बस अब आप लोगों ने मेरा साथ देना है, ठीक है। अब देखना तुम स्पीड। तो हमने खत्म करना है आज, ये गंदा सा कलर कहां से आ गया, रिसर्च एप्टीट्यूड। बस आप सुनते जाइए लिखते जाइए, बाकी काम मैं करूंगा, बस ध्यान से समझना है। देखिए रिसर्च का मतलब होता है री प्लस सर्च, मतलब कोई ऐसा काम जो पहले हो चुका हो उसको दोबारा 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 आप रिसर्च करते रहते हो, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च का और मीनिंग क्या होता है, इट इज अ डेस्टिनेशन, इट इज अ जर्नी। रिसर्च क्या होती है, एक जर्नी है, कहां से, नोन टू अननोन, नोन टू अननोन, मतलब आप कुछ ऐसी चीजों की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो जो आप लोगों को पता नहीं है, आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है उसको बेस बना के आप नई इंफॉर्मेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। ये क्या है, दिस इज बेस्ड ऑन इंक्वायरी, इंक्वायरी की जाती है इसमें, यू आर ट्राइंग टू डू सम साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक मेथड यूज किया जाता है। रिसर्च आपकी फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, उसमें जो साइंस का एलिमेंट है वो हमेशा मौजूद रहता है, और ये आप लोग अपनी इंक्रीज द नॉलेज, इंक्रीज द नॉलेज मतलब आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए इस रिसर्च को करते हो, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ रिसर्च, दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ रिसर्च, मतलब एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक अप्रोच है, सिस्टेमेटिक है काफी ज्यादा, प्लस साइंटिफिक होती है। उम्मीद करता हूं कि अगर आपने मेरी पीछे की क्लासेस देखी हैं सारी, तो आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। पहले वाली क्लासेस अगर आप लोगों ने देखी हैं तो वो सारी चीजें आप लोगों को एकदम से क्लियर होंगी। अब अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज नॉट रिसर्च, व्हाट इज नॉट रिसर्च, क्या रिसर्च क्या नहीं है, क्या हुआ, सिर्फ आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, क्या डाटा कलेक्ट कर लिया रिसर्च है, नो। किसी की रिसर्च को ही छाप दिया अपने नाम से, रिपीट द प्रीवियस रिसर्च, क्या रिसर्च होती है, नो। किसी की पहले की रिसर्च को सेम टू सेम अपने नाम पे छाप दिया, रिसर्च होती है, नो। इट इज नॉट अ प्लेइंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के साथ खेल रहे हो, प्लेइंग ऑफ वर्ड्स, क्या वर्ड्स के साथ खेलना रिसर्च होती है, नो। तो अब ये वो चीजें हैं जो रिसर्च आपकी नहीं होती हैं। इट इज नॉट अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाटा, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक जगह पे डाटा मौजूद था उसको किसी दूसरी जगह पे ले गए, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पर सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उसका भी कोई सेंस नहीं है, उसको भी आप क्या नहीं बोलते, उसको भी आप रिसर्च नहीं बोलते, क्लियर, यस। तो ये रिसर्च आपकी नहीं है। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ रिसर्च, प्रोसेस ऑफ रिसर्च कि जो एक रिसर्च है उसका प्रोसेस क्या होता है, जो एक रिसर्च है उसका प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन सी चीजें होती है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो करते हो, ठीक है। ये अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल सेम ही होता है, ठीक है, ओवरऑल इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, सेम टू सेम वैसा ही होता है। सबसे पहले आप क्या करते हो, फर्स्ट यू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सबसे पहले आप क्या करते हो, आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हो, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद फिर आप क्या करते हो, रिव्यू ऑफ लिटरेचर,
उस रिसर्च से रिलेटेड जितना भी आपके पास पहले की नॉलेज होती है, पहला रिसर्च होता है, वहां से उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, और फिर आप अपने रिसर्च पर्पस को स्पेसिफाई करते हो, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, क्या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हो, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बना लेते हो। उसके बाद देन आता है आपका रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन के बाद आप नेक्स्ट क्या बनाते हो, यू मेक सैंपलिंग डिजाइन, सैंपलिंग डिजाइन, ठीक है। उसके बाद रिसर्च डिजाइन बन जाता है, उसके बाद आप क्या बना लेते हो, सैंपलिंग डिजाइन बना लेते हो। उसके बाद फिर सिक्स होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, जो सैंपलिंग में डिसाइड होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा। उसके बाद आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। उसके बाद फिर आप एनालिसिस करते हो, उस डाटा को क्या करते हो, इंटरप्रेट करते हो, और लास्ट में क्या करते हो, रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग्स। क्लियर है? तो एंड में आप क्या करते हो, फिर अपनी पूरी फाइंडिंग्स को क्या कर देते हो, प्रेजेंट कर देते हो। आप लास्ट में क्या कर देते हो, अपनी वो यहां पे आ जाएगा ना आपका हाइपोथेसिस वाला प्रोसेस, वो भी होता है, वो बीच में ही आता है, ठीक है, वो मेन नहीं है, वो अल्टीमेट किसी बीच, किसी स्टेप के बीच में आएगा। क्लियर है? तो ये अब रिसर्च की रिक्वायरमेंट क्या होती है, रिसर्च रिक्वायरमेंट मतलब अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। पहले तो आप क्या करोगे, प्रॉपर प्लानिंग करोगे, प्लानिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको कोई पर्सन होना चाहिए जो गाइड करेगा, गाइडेंस आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एक्सपर्ट्स, मतलब जो आपको उस फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, एक्सपर्ट्स आ जाएगा। उसके बाद आएगा बुक्स, जनरल्स, या आप बोल सकते हो लाइब्रेरी, ठीक है जी, जहां पे बैठ के आप क्या करोगे, बुक्स को पढ़ोगे। और उसके बाद आ जाता है पांचवें नंबर पे पैसा, पैसा को आप क्या बोल सकते हो कि ठीक है भाई, फाइनेंस की भी जरूरत होती है, क्योंकि एक जगह पे दूसरी जगह पर डाटा कलेक्ट करने साइकिल पे थोड़ी ना जाओगे या पैदल थोड़ी ना जाओगे, वो भी जरूरत हो जाती है। उसके बाद रेफरेंस, रेफरेंस की जरूरत पड़ती है कि हाँ यार यहां पे ये चीजें इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं, तो वो चीज, ठीक है। तो ये बेसिक समझ रहे हो ना, धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। आज इस तरीके से रिसर्च पढ़ाऊंगा शुरू से लेके एंड तक, बस आलतू फालतू चीजें मत लिखना कि सर ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, ये पढ़ा रहा हूं बस इस पर फोकस करो। क्लियर? अगर किसी ने ये बोला ना कि सर ये कब पढ़ाओगे वो कब पढ़ाओगे, मैंने ब्लॉक कर देना सीधा उठा के, रिसर्च पढ़ा रहा हूं ना तो रिसर्च पढ़ो, बात खत्म। अब सर एलआर कब करोगे, ये कब करोगे, जो पढ़ रहा हूं ना, जो पढ़ा रहा हूं वो भी आपके पेपर का ही पार्ट है, ठीक है। सो बी श्योर कि आप प्लीज सीरियसली क्लास को फॉलो करें। क्लियर है? उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, आपके पास बेसिकली चार तरीके के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, चार तरीके के ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। सबसे पहली कौन सी थी, एक्सप्लोरेटरी, जिसको आप फॉर्मुलेटिव भी बोलते थे, मतलब जब नॉट अवेयर अबाउट प्रॉब्लम, जब आपको प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा पता नहीं है, उस टाइम पे आप कौन सी रिसर्च करते हो, एक्सप्लोरेटरी। इसको या फिजिबिलिटी स्टडी भी बोलते हो, इसी को आप पायलट टेस्टिंग भी बोलते हो, ठीक है, ये इसी की टाइप है, फिजिबिलिटी स्टडी, पायलट टेस्टिंग। इसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आप चीजों को डिस्क्राइब करते हो और एज इट एज डिस्क्राइब करते हो, जो चीज जैसी है उसको वैसे ही क्या करते हो, प्रेजेंट करते हो, कि जैसी चीज है वैसे ही उसको प्रेजेंट करोगे। उसके बाद आ जाती है आपकी डायग्नोस्टिक,
डायग्नोस्टिक, इसमें आप देखते हो किसी चीज की फ्रीक्वेंसी को, कोई चीज कितनी फ्रीक्वेंसी से हो रही है, और दूसरा प्रॉब्लम और उसका कॉज, जैसे डॉक्टर करता है, जैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है। और चौथे नंबर पे आता है कॉजल, दैट इज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, जहां पर एक्चुअली में आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करते हो, आपस में चेक करते हो, ठीक है, वो यहां पे आ जाती है। तो ये चार तरीके की आपकी टाइप रिसर्च होती है, ठीक है, जिसको आप देखते हो। उसके बाद हमें नॉलेज कहां से मिलती है, मींस ऑफ नॉलेज, हमें चार तरीके से नॉलेज मिलती है, देयर आर फोर मेथड्स जिसको आप बेस बना के हमें नॉलेज मिलती है। हमारे पास चार तरीके के मेथड्स हैं। पहला होता है मेथड ऑफ टेनेसिटी, पहला है दैट इज मेथड ऑफ टेनेसिटी। टेनेसिटी का कीवर्ड क्या था, सुपरसीशन, जो वहम भरम, जो पहले से बिलीफ सिस्टम आपका चला आ रहा है उसी को यूज करते थे। दूसरा क्या था, मेथड ऑफ अथॉरिटी, मेथड ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी में क्या था, कीवर्ड क्या था, रिलीजन, कि हमें नॉलेज कहां से मिलती है, हमें रिलीजन से मिलती है। थर्ड पे क्या था, इंट्यूशन, जो नॉलेज हमें इंट्यूशन से मिलती थी। इंट्यूशन में क्या आ जाता था, आपका फिलॉसफी, इंट्यूशन में क्या आ जाता था, आपका फिलॉसफी, जो रीजन की बात होता था। और लास्ट किसका था, साइंस, मेथड ऑफ साइंस। साइंस में किसकी बात की जा रही थी, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, किसकी बात की गई थी, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड की बात की जा रही थी। किसकी बात की जा रही थी, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड की बात की जा रही थी। तो ये चार तरीके के मेथड से जिससे हमें नॉलेज मिलती थी। उसके बाद था रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्च क्वेश्चन होता है डब्ल्यू एच फैमिली से, व्हाट, व्हाई, व्हेन। जब आप चीजों को इस तरीके से प्रेजेंट करते हो तो वो रिसर्च क्वेश्चन बनता है। वो क्या बनता है, रिसर्च क्वेश्चन बनता है, कि व्हाट इज ये इस तरीके से। और जब उसी को हम एक पर्टिकुलर फॉर्म दे देते हैं, टू असर्टेन, टू फाइंड आउट, टू आइडेंटिफाई, टू मेजर, वो आपका क्या बन जाता है, दैट बिकम्स योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव। जो ये रिसर्च क्वेश्चन है, ये आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, प्लीज एक बार कमेंट करके बता दो। देखो आप जितना मोटिवेट करोगे उतनी स्पीड से उतनी सारी चीजें आप लोगों को रिवाइज करवा दूंगा फटाफट से। फिर आता है रिसर्च मेथड्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी। देखिए ये नाउन की फॉर्म में होता है, ये वर्ब की फॉर्म में होता है। दिस इज व्हाट एंड दिस इज हाउ चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं। दीज आर द मेथड्स, दीज आर द टूल्स, ये मेथड्स हैं, ये जो टूल्स हैं जिसको आप यूज कर रहे हो, और दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ टूल्स। मेथड्स, उनको अप्लाई करने को आप क्या बोल देते हो, दैट इज कॉल्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी। दैट इज कॉल्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी। टूल्स को क्या बोला जाता है, दैट इज मेथड, और उनकी एप्लीकेशन को क्या बोला जाता है, मेथोडोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाई रिसर्च,
रिसर्च क्यों करते हैं? सबसे पहले तो अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाना चाहते हैं, मतलब पीएचडी की डिग्री। कुछ लोगों का रिसर्च एक पैशन होता है, कुछ लोग इसको मनी के लिए करते हैं, कुछ लोग सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, कुछ लोग सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, और कुछ लोगों के दिमाग में क्या होता है, न्यू, क्रिएट समथिंग न्यू, जो हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं कि हमारे अंदर से एक आवाज आ रही है, हमारे अंदर से एक आवाज आ रही है कि हमें कुछ नया करना है, हम चैलेंजिंग चीजों को फोकस करते हैं कि अच्छा यार ये चैलेंजिंग है, इसको हम किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं, हाउ वी कैन टारगेट दी सिचुएशंस। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ रिसर्च। अब ध्यान से समझना एक एक फीचर को। सबसे पहले है प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर अकरेंस। प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर मतलब हम रिसर्च को बेस बना के बता सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, रिसर्च को फोकस करके बना सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, सॉल्यूशन टुवर्ड्स अ प्रॉब्लम, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक्यूरेसी आ जाता। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है रिलायबिलिटी। ठीक है जी, कोई रिसर्च आपकी कितनी, ये सारी चीजें अभी रिसेंट वाली क्लास में पढ़ाई है, वहां से जाके देखो, रिलायबिलिटी की टाइप्स भी पढ़ाई थी। उसके बाद आया था वैलिडिटी। ठीक है, मैं यहां पे इस पे लिख देता हूं टाइप्स, प्रीवियस वीडियो में जाके आप इसकी टाइप्स को पढ़ सकते हो। ठीक है, उस वीडियो में सारी टाइप्स को बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया था, ए टू जेड चीजों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था। और साइंटिफिक प्रोग्राम, रिसर्च है वो एक साइंटिफिक होती है। नेक्स्ट क्या हो सकती है, ये क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। रिसर्च आपकी क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। क्वेस्ट फॉर आंसर का मतलब है कि एक प्रॉब्लम है और उसका ये सॉल्यूशन है, एक प्रॉब्लम है और उसका ये एक सॉल्यूशन है, जो प्रॉब्लम है और उसका क्या है, एक सॉल्यूशन। उसके बाद पेशेंट एक्टिविटी, मतलब बहुत सारा पेशेंस चाहिए आपको। अब ये नहीं है कि ये डॉक्टर वाला पेशेंट हो गया, पेशेंट एक्टिविटी का मतलब है कि इसके लिए आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए, आपको काफी ज्यादा टाइम देना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सोशल रेलेवेंस, जो आपकी रिसर्च है उसका सोशल रेलेवेंस होना जरूरी है, सोशल रेलेवेंस होना उसका बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद सिस्टमैटिक प्रोसेस है। दूसरा डिजाइंड प्रोसेस, क्या है, एक आपका डिजाइंड प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि सारी चीजें ऑलरेडी डिजाइंड की हुई हैं। साइक्लिकल है, साइक्लिकल का मतलब क्या होता है कि एक चीज खत्म हुई तो दूसरी शुरू हो जाएगी, एक प्रॉब्लम खत्म होना मतलब एक नई प्रॉब्लम का ढूंढा जाना। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब रिसर्च को ऑब्जेक्टिविटी भी फोकस किया जाता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं, उसमें बायसनेस का होना जरूरी नहीं है। उसके बाद आता है क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी, कि आप रिसर्च पे क्या कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो, ट्रस्टवर्दी होना जरूरी है। क्लियर है उसका। और देन आता है लॉजिकल, रिसर्च का लॉजिकल होना बहुत जरूरी है, रिसर्च में एक लॉजिक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, समझ आ रहा है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए बहुत अच्छे। उसके बाद हमने चार एलिमेंट्स और पढ़े थे रिसर्च के फीचर्स में ही। प्रिसीशन का मतलब क्या है, रिसर्च में एक्यूरेसी होनी चाहिए ताकि जो मैंने एलिमेंट्स यूज किए हैं उसको कोई दूसरा बंदा यूज करेगा तो उसे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आया था रेप्लिकेबिलिटी, मतलब उसको कंसिस्टेंसी चेक की जा सके, क्योंकि कोई दूसरी टीम अगर उसको चेक करे तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आया था पारसी मनी का मतलब क्या था, कि हम
लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करेंगे, लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करेंगे अपनी रिसर्च के लिए। और चौथा कौन सा था? फाल्सिफाइबिलिटी। फाल्सिफाइबिलिटी का मतलब इट मस्ट बी डिसअप्रूव्ड। किसको डिसअप्रूव भी किया जा सकता है? रिसर्च कैन बी डिसअप्रूव्ड, रिसर्च कैन बी डिसअप्रूव्ड, रिसर्च को डिसअप्रूव भी किया जा सकता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यस, थ्री आर पढ़ा था। पहला क्या था? रिपीटेबिलिटी, मतलब सेम टीम सेम एक्सपेरिमेंट। दूसरा पढ़ा था रिप्रोडक्टिविटी, मतलब डिफरेंट टीम एंड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। देन आया था रेप्लिकेबिलिटी, मतलब सेम एक्सपेरिमेंट विथ डिफरेंट टीम। क्लियर है जी? ये थ्री आर्स भी मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे। चलो चलो फटाफट आगे बढ़ो, रुकना नहीं है। अगर समझ आ रहा तो एक बार थम्स अप बताओ। स्पीड सही है ना? मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये रिवीजन क्लास है, इससे पहले सारी क्लासेस में ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, ये सारी चीजें आपको पढ़ा चुका हूं। आज तो जस्ट एक सुपर फास्ट रिवीजन का ही काम है। अब ये जो बच्चे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनके लिए यूजफुल है, जिनको जो मतलब बस सिंपल सी बात है यार, देखो अब जो पहले दिन ही आ रहे हैं, जो बिल्कुल ही केयर नहीं कर रहे, क्लासेस चल रही हैं, उनके लिए नहीं है क्लास। मैंने पहले बोला, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो, तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अदरवाइज तो तुम टाइम पास कर रहे हो, ठीक है ना? अदरवाइज तो तुम टाइम पास कर रहे हो, जब दिल किया देख लिया, जब दिल ना किया तो उसके लिए नहीं है। ये उन बच्चों के लिए जो लगातार मेरी सारी क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं, मैं उनकी रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है जी? मैं उन बच्चों की यहां पे रिवीजन करवा रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ रिसर्च। फटाफट से टाइप्स ऑफ रिसर्च। सबसे पहले रिसर्च होती है बेसिक रिसर्च, जो किसके लिए होती है? थ्योरी के लिए होती है, नॉलेज एनहांसमेंट के लिए होती है। नॉलेज एनहांसमेंट के लिए होती है, आप अपनी नॉलेज को एनहांस करने चाहते हो, उसको बोला जाता है बेसिक रिसर्च। और इसको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च, थ्योरेटिकल रिसर्च, थ्योरेटिकल रिसर्च भी इसको बोल दिया जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च कौन सी होती है? एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, उस थ्योरी की एप्लीकेशन होती है। तीसरा आती है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च होती है साइक्लिकल, इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जिसमें PAOR, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट, इसमें यह यूज किया जाता है। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, यह चीज इसमें यूज की जाती है। आगे आती है क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसमें न्यूमेरिक डाटा यूज होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, डिडक्टिव होती है,
जनरल टू स्पेसिफिक होती है। इसके बाद आती है क्वालिटेटिव, जो कि नॉन न्यूमेरिक डेटा होता है। नेचुरल सेटिंग में होती है, इंडक्टिव होती है, इंडक्टिव इन नेचर होती है, जो कि इंडक्टिव इन नेचर होती है। उसके बाद हमारे पास अप्रोचेस हैं, अप्रोचेस टू क्वालिटेटिव। सबसे पहले आती है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी इज द कल्चर स्टडी, किसी स्टडी, किसी कल्चर की स्टडी। दूसरी आती है फिनोमिनोलॉजी, एक लिव्ड फिनोमिना किस तरह से लोगों ने जिया है, कॉमन फिनोमिना। जैसे अभी आज ही इसकी मैंने आप लोगों को 1 मिनट अप्रोच भी दी है, कॉमन फिनोमिना की बात की गई थी। फिर आता है केस स्टडी। केस स्टडी होती है किसी भी रियल और हाइपोथेटिकल केस की इनडेप्थ स्टडी को बोला जाता है। देन आता है ग्राउंडेड थ्योरी, थ्योरी फ्रॉम जीरो, जिसमें एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। जिसमें कौन सा पॉइंट आ जाता है? एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। और पांचवा नरेटिव रिसर्च में स्टोरीज की फॉर्म में लोग अपनी बात बताते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन स्टोरीज। ठीक है, जो स्टोरीज की पॉइंट फॉर्म में आपको बात बताई जाती है। उसके बाद आता है फिक्स्ड रिसर्च, जो क्वांटिटेटिव होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है, कांट अमेंड, जिसको अमेंड नहीं किया जा सकता। दूसरी आती है फ्लेक्सिबल, जो कि क्वालिटेटिव होती है, अनस्ट्रक्चर्ड होती है, अमेंड किया जा सकता है एज पर योर चॉइस। जिस तरीके से आपको सही लगता है आप उस तरीके से उसको अमेंड भी कर सकते हो, यू कैन अमेंड इट। उसके बाद आती है इंडक्टिव रिसर्च, दैट इज क्वालिटेटिव। यू वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग, आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो और स्पेसिफिक से जनरल जा रहे हो। उसके बाद आती है डिडक्टिव, डिडक्टिव रिसर्च कौन सी होती है? क्वांटिटेटिव, जिसमें वेरीफाई करते हो आप किसी पर्टिकुलर थ्योरी को, और जहां पे जनरल से स्पेसिफिक जाते हो, जहां पर आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जनरल होती है, जनरल से आप स्पेसिफिक जाने की कोशिश करते हो। उसके बाद इसी को बोल दिया जाता है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। मैं सिर्फ नाम लिखूंगा, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के दूसरे नाम क्या हैं? देखो, यही आपकी क्वांटिटेटिव है और यही आपकी डिडक्टिव है और यही आपकी फिक्स्ड रिसर्च है। और उस तरीके से अनस्ट्रक्चर्ड लिखा जाए अगर तो ये आपकी क्या है? दिस इज नथिंग, दिस इज योर क्वालिटेटिव, इंडक्टिव और फ्लेक्सिबल इन नेचर, जो कि फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है। ठीक है, जो कि फ्लेक्सिबल होती है। उसके बाद आएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जहां पे आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखते हो। कॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
और इफेक्ट क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसमें क्या क्या होता है, मैन्युपुलेशन की जाती है, कंट्रोल किया जाता है और मेजर किया जाता है। इन दोनों के बीच में जो वेरिएबल आता है उसको बोला जाता है इंटरवीनिंग वेरिएबल, जो इन दोनों को आपस में रिलेट करता है। यहां पर एक एक्सटर्नल वेरिएबल होता है जिसको एक्सट्रानोस वेरिएबल बोला जाता है, जिसको आप निगलेक्ट करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू निगलेक्ट, जिसको आप क्या करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू निगलेक्ट इट, जिसको आप क्या करने की कोशिश करते हो, आप निगलेक्ट करने की कोशिश करते हो। उसके बाद आता है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ऑल रिसर्च एक्सेप्ट एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल के बिना जितनी भी रिसर्च होती हैं वो सारी की सारी किसके अंदर आती हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल। और इसमें आप थ्योरीज को यूज करते हो, थ्योरीज को यूज करते हो, आप रीजनिंग को यूज करते हो। व्हाट यू यूज, आप रीजनिंग को यूज करते हो, आप थ्योरी को यूज करते हो, और इसका वाइडर स्कोप होता है, इट इज द वाइडर स्कोप देन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल से यह वाइडर स्कोप होता है। उसके बाद आता है ई डी सी, दैट इज एक्सप्लोरेटरी, दिस इज डिस्क्रिप्टिव, दिस इज कॉजल। जब प्रॉब्लम क्लियर नहीं है, प्रॉब्लम इज नॉट क्लियर, वही फिजिबिलिटी स्टडी यहां पे आ जाएगा। डिस्क्रिप्टिव में ट्राइंग टू डिस्क्राइब एज इट एज, किसी चीज को एज इट एज आप डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हो, किसी चीज को एज इट एज डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हो। और कॉज, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने की कोशिश कर रहे हो। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, किसी चीज को इफेक्ट और रिलेशनशिप देखने की कोशिश करते हो। एक्स पोस्ट फैक्टो, आफ्टर द फैक्ट, आफ्टर द फैक्ट, जिसको कॉजल कंपैरेटिव भी बोला जाता है, जिसको आप क्या बोल देते हो, कॉजल कंपैरेटिव भी बोल देते हो, जो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल होती है। ठीक है, किसी चीज आफ्टर द हैपनिंग, आफ्टर द हैपनिंग ऑफ इवेंट, किसी इवेंट के होने के बाद जब आप उसको स्टडी करते हो, दैट इज क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, मतलब रैंडम असाइन नहीं होती, नॉट रैंडम असाइनमेंट, याद रखिए, नॉट रैंडम असाइनमेंट, असाइनमेंट नहीं होती, कोई रैंडम असाइनमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च टू स्टडी द पास्ट इवेंट्स, पास्ट इवेंट्स को स्टडी किया जाता है, जैसे एवोल्यूशन कैसे हुआ, किसका, एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का एवोल्यूशन कैसे हुआ। और इसमें कीवर्ड और यूज याद रखना कौन सा था, क्रिटिसिज्म, क्रिटिकल क्रिटिसिज्म यहां पे कीवर्ड है, वो यूज किया जाता है, दैट इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन पास्ट इवेंट्स। ठीक है, ये पास्ट इवेंट्स की स्टडी को बोला जाता है। एनालिटिकल रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च ये वो रिसर्च होती है जिसमें आपके पास ऑलरेडी डाटा अवेलेबल होता है, यू जस्ट यूज द ऑलरेडी अवेलेबल डाटा,
आप उसी डाटे को यूज करते हो जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है, आपको उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद एक होती है डायग्नोस्टिक रिसर्च। डायग्नोस्टिक में दो चीजें आती हैं, एक चेक की जाती है फ्रीक्वेंसी, कोई चीज कितनी फ्रीक्वेंसी से हो रही है, और दूसरा देखा जाता है कॉज ऑफ प्रॉब्लम, कॉज ऑफ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, कि इसका कॉज क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, उस पर्टिकुलर चीज का कॉज क्या होगा और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। नेक्स्ट इवैल्यूएशन रिसर्च। इवैल्यूएशन रिसर्च, इवैल्यूएशन रिसर्च क्या होती है, जैसे कोई पॉलिसी मेकिंग में होती है, टू चेक एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट्स को देखने के लिए, ठीक है, कि कोई फाइव ईयर प्लान्स था, जैसे फाइव ईयर प्लान्स में कितना आपने इंप्रूव किया, कितना स्ट्रेंथ और वीकनेस है, वो चीज यूज करने के लिए, ठीक है, बेसिकली टू इवैल्यूएट, टू इवैल्यूएट, उस चीज को इवैल्यूएट करने के लिए यह रिसर्च की जाती है, इवैल्यूएशन के लिए यह रिसर्च की जाती है। उसके बाद देन नेक्स्ट आता है क्रॉस सेक्शनल, और यहां पे आता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है वन टाइम डिफरेंट वेरिएबल, और ये क्या होता है, डिफरेंट टाइम टाइम वन वेरिएबल, एक टाइम पे बहुत सारे वेरिएबल को स्टडी किया, दैट इज क्रॉस सेक्शनल, और एक एक ही वेरिएबल को अलग अलग टाइम पे यूज किया, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। देन आता है प्राइमरी रिसर्च, यहां आता है सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च कौन सी रिसर्च होती है, जहां पर फर्स्ट हैंड डाटा यूज किया जाता है, फर्स्ट हैंड डाटा, और ये टोटली रिसर्च ओरिएंटेड होती है, ठीक है, क्योंकि उतना ही डाटा आप कलेक्ट करते हो जितना रिसर्च के लिए चाहिए। यहां पर जो पब्लिश्ड डाटा होता है, पब्लिश्ड डाटा होता है नॉट रिसर्च ओरिएंटेड, ठीक है, पूरी किताब रिसर्च ओरिएंटेड नहीं होगी, उसमें से कुछ चीजें होगी जो आप यूज करोगे, दैट इज रिसर्च ओरिएंटेड, कुछ चीजें होंगी जो यहां पे आप यूज करोगे। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्लियर हुआ तो बताइए। चलिए एक मिनट का ब्रेक ले लीजिए, यहां पर एक मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर इससे आगे बढ़ाते हैं। लेट मी चेक किसके बाद कौन सा टॉपिक कवर करवाना है। यस, करें शुरू। ओके, नेक्स्ट इज रिसर्च पैराडाइम। एक सेकेंड, चेंज हो गया। रिसर्च पैराडाइम, पैराडाइम का कंसेप्ट किसने दिया था? दिस वॉज गिवन बाय कुहन। कुहन ने रिसर्च पैराडाइम का कंसेप्ट है वो दिया था। इसमें दो तीन चीजें हैं जो आप लोगों ने डिस्कस करनी है। मैं आपको बता रहा था कि इसमें हमारे पास तीन चीजें आती हैं। कौन कौन सी आती है? एक सबसे पहले आता है एपिस्टिमोलॉजी, एपिस्टिमोलॉजी दैट इज द स्टडी ऑफ नॉलेज, दूसरी होती है एक्सियोलॉजी, दिस इज एक्सियोलॉजी स्टडी ऑफ वैल्यूज, और इस वैल्यूज के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है एथिक्स
और एक होता है ब्यूटी और एक होता है ऑन्टोलॉजी. ऑन्टोलॉजी दैट इज रियलिटी. ऑन्टोलॉजी को क्या बोल दिया जाता है? रियलिटी. और इसके बीच का ये जो पार्ट होता है दिस इज नथिंग, दिस इज रिसर्च मैथोडोलॉजी. रिसर्च मैथोडोलॉजी बोल दिया जाता है, दैट इज रिसर्च मैथोडोलॉजी. क्लियर. अब एक होता है थियोलॉजी. थियोलॉजी स्टडी ऑफ गॉड. गॉड बेसिकली स्टडी ऑफ बिलीफ कि लोग विश्वास कैसे करते हैं, भगवान को कितना मानते हैं, अलग अलग लोगों का कितना विश्वास है किसी चीज में. उसके बाद आता है एक्सियोलॉजी. एक्सियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वैल्यूज. स्टडी ऑफ वैल्यूज और ये जो वैल्यूज होती हैं, अगर स्टडी ऑफ एथिक्स आ जाता है और दूसरा आ जाता है एस्थेटिक. एस्थेटिक दैट इज स्टडी ऑफ ब्यूटी. स्टडी ऑफ आर्ट, ब्यूटी, कुछ भी बोल सकते हो. स्टडी ऑफ आर्ट, स्टडी ऑफ ब्यूटी, इसको कुछ भी बोला जा सकता है. उसके बाद आता है मेटाफिजिक्स. मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स मतलब अब्स्ट्रैक्ट थॉट. अब्स्ट्रैक्ट थॉट मतलब जब आप अपने बारे में सोचते हो, बीइंग, लिविंग, बीइंग, लिविंग, नोइंग, आइडेंटिटी, नोइंग आइडेंटिटी है ना, तो ये क्या चीजें आ जाती हैं? ये आपकी मेटाफिजिक्स में आ जाती है. दिस कम्स अंडर मेटाफिजिक्स. उसके बाद आता है ऑन्टोलॉजी. ऑन्टोलॉजी इज नथिंग, स्टडी ऑफ रियलिटी कि एक्चुअली में रियलिटी है क्या, उस रियलिटी को कैसे जाना जा सकता है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उस रियलिटी से रिलेटेड. उसके बाद आता है एपिस्टिमोलॉजी. एपिस्टिमोलॉजी इज नथिंग, दिस इज द नॉलेज स्टडी. जब आप स्टडी की नॉलेज करते हो उसको तो एपिस्टिमोलॉजी बोल दिया जाता है. रेशनलिज्म, रेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? लॉजिक और रीजन. द स्टडी ऑफ लॉजिक प्लस रीजन. जब किसी लॉजिक या किसी रीजन किसी स्टडी की बात करते हो तो वहां पे आ जाता है. उसके बाद आता है एम्पिरिज्म. एम्पिरिसिज्म बेस्ड ऑन, दैट इज बेस्ड ऑन सेंसरी एक्सपीरियंस. जो आपके सेंसरी एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है उसको बोला जाता है एम्पिरिज्म. उसके बाद आता है जो रिसर्च पैराडाइम. बेसिकली दो तरीके से, कौन कौन सा, एक होता है पॉजिटिविज्म और देन आता है पोस्ट पॉजिटिविज्म. दिस इज नथिंग, दिस इज क्वांटिटेटिव इन नेचर और ये क्वालिटेटिव इन नेचर. ये क्या है? ये क्वालिटेटिव इन नेचर होता है. ठीक है, सेम टू सेम वही कंसेप्ट है, कुछ नया नहीं है. सबसे पहले हम समझते हैं पॉजिटिविज्म में क्या है. पॉजिटिविज्म का फोकस किस पे है? साइंस पे. साइंस इज रियल. जो भी रियलिटी है वो कहां से आएगी? साइंस पे आएगी. और ओनली वन रियलिटी है, क्योंकि साइंस एक है तो रियलिटी भी वन होगी. और इसको मेजर किया जा सकता है, इस वजह से ये क्वांटिटेटिव है. इस वजह से ये क्या है? इस वजह से ये क्वांटिटेटिव है. और नॉलेज है वो ऑब्जेक्टिव है, मतलब इंडिपेंडेंट है. नॉलेज है वो इंडिपेंडेंट है, वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करती है, वो ऑब्जर्वर से बिल्कुल अलग है. और मेथड कौन सा यूज किया जाएगा? डिडक्टिव. डिडक्टिव मेथड्स को यूज किया जाएगा इसको फाइंड आउट करने के लिए. डिडक्टिव मेथड्स को यूज किया जाएगा. और पर्पस क्या होता है? एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो एंड कंट्रोल करने की कोशिश करते हो.
तो ये आपका पूरा पैराडाइम है, दैट इज पॉजिटिविज्म। ये आपका पूरा किसके साथ फोकस हो जाएगा, दैट इज रिलेटेड विद पॉजिटिविज्म। और अगर आ जाए पोस्ट पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म ये किसके बारे में बात करेंगे कि सोशल साइंस है, साइंस नहीं है भाई, सोशल साइंस है। जो वैल्यूज हैं वो चेंजिंग है, मतलब मेथड कौन सा यूज किया जाएगा, क्वालिटेटिव, मतलब इंडक्टिव मेथड को यूज करेंगे हम। कौन सा मेथड, इंडक्टिव मेथड को यूज करेंगे। और यहां पे जो रियलिटी है वो डिपेंड करती है किस पे, ऑब्जर्वर पे, ऑब्जर्वर पे इसकी रियलिटी है वो डिपेंड करती है। क्लियर हुआ जी, किसी को इस बात में कोई दिक्कत, दोनों पैराडाइम क्लियर है, बताइए। उसके बाद आता है रिसर्च प्लान, दैट इज रफ आइडिया, दैट इज थ्योरेटिकल आइडिया ऑफ रिसर्च, थ्योरेटिकल आइडिया ऑफ रिसर्च, जो कि है कि व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर ऑफ रिसर्च, ये सब कुछ रिसर्च का, कि कहां पे रिसर्च करेंगे, कैसे करेंगे, जो थ्योरेटिकल आइडिया होता है उसको बोल दिया जाता है, दैट इज रिसर्च प्लान। और उसके बाद, इसके बाद जो आता है दैट इज रिसर्च डिजाइन, दिस इज योर प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च, इट वर्क्स लाइक अ ग्लू टू होल्ड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के सारे एलिमेंट्स को क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है, विच होल्ड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च, विच होल्ड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च, वेयर एवर डाउट, वेयर एवर द डाउट, यूज रिसर्च डिजाइन, जहां पर कभी भी कोई डाउट लगे कि यहां पर चीजें समझ नहीं आ रही, जल्दी से जाओ और रिसर्च को, रिसर्च फ्रेमवर्क को देखो। फीचर्स क्या होने चाहिए रिसर्च डिजाइन के, फीचर्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन के फीचर क्या होने चाहिए, पहला होना है रिलायबल, कि भाई इस पे भरोसा किया जा सके। दूसरा क्या होगा, नो एरर, कि कोई एरर्स नहीं होना चाहिए। तीसरा इंफॉर्मेशन यील्ड, यील्ड का मतलब है कुछ आउटपुट आपको मिल रही हो। चौथा फ्लेक्सिबल, जरूरी नहीं है कि इतना ज्यादा फिक्स कर दो आप उसको कि फ्लेक्सिबिलिटी गायब भी हो जाए, जरूरत पड़ने पे आप उसको चेंज भी कर सको। पांचवें पे आएगा इकोनॉमिकल, कि वो इकोनॉमिकल भी होगा, ऐसा नहीं है कि उसमें सारी चीजें, मतलब कम से कम रिसोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे। और यस, इट शुड बी टाइम स्पेसिफिक, ठीक है, टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बोल दो कि ठीक है भाई जितनी देर चलता है चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, चार होते हैं एस ओ एस ओ। सबसे पहले आता है सैंपलिंग डिजाइन, डिजाइन, इट्स ऑल अबाउट सैंपल, कौन सा सैंपल लेना है, कितना साइज होना चाहिए। दूसरा है ऑब्जर्वेशन, वो जो कंडीशंस हो जाएंगी कि आप डायरेक्ट उसका पार्ट बनोगे या आप इनडायरेक्ट उसका पार्ट बनोगे,
यू विल बिकम द पार्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. उसके बाद आता है स्टैटिस्टिकल, स्टैटिस्टिकल डिजाइन. स्टैटिस्टिकल डिजाइन किससे रिलेट करेगा? दैट आर मेथड्स, टूल्स. मेथड्स, टूल्स कौन से यूज कर रहे हो? विच आर द मेथड्स, विच आर द टूल्स दैट यू आर यूजिंग इन योर रिसर्च डिजाइन. और देन आता है ऑपरेशनल. ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कि कितना टाइम लगेगा, कितना बजट है, कितना टाइम होगा, कितना बजट होगा, वो सारा किस में आ जाएगा? वो यहां पर इसके अंडर आ जाएगा. क्लियर, समझ आ गया? इतने कम कमेंट क्यों है, पहले ये बताओ जरा, इतने कम कमेंट क्यों होते हैं? देखिए, जब रिसर्च डिजाइन की बात की जाएगी, जब रिसर्च डिजाइन की बात की जाती है तो दो तरीके से काम करता है रिसर्च डिजाइन, और दूसरी तरफ आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज प्रॉब्लम स्ट्रक्चर. प्रॉब्लम स्ट्रक्चर देखिए, अगर आप एक्सप्लोरेटरी की बात करोगे तो मतलब अनस्ट्रक्चर्ड. प्रॉब्लम क्या होगी? अनस्ट्रक्चर्ड होगी. जब डिस्क्रिप्टिव की बात करोगे दैट विल बी स्ट्रक्चर्ड, और जब कॉजल की बात करोगे दैट विल आल्सो बी स्ट्रक्चर्ड. क्लियर हुआ? दैट विल आल्सो बी स्ट्रक्चर्ड, वो भी अपने आप में क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी. क्लियर है जी? ओके, मनु, पायल, सुधांशु, सिमरनजीत, सुमन, नेहा, ऐश्वर्या, अक्षिता, नेहा, सुजीत, स्वप्ना, रेशमी, केसरी, संगीता, नेहा, सपना, शुभम, अक्षिता, शालिनी, सोलंकी, रैना, सिमरन, सरिता, सोलंकी, ऐश्वर्या, वकार, नेहा, उपासना, रोशनी, मेघा, निधि, अजीत, अमनदीप, स्वाति, श्रुति, खुशबू. क्या या जाग गए हो, है ना? क्या हो गया, जाग गए सारे के सारे, जग गए हो. चलिए, टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन. रिसर्च डिजाइन की टाइप्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, दो तरीके से होती हैं. पहला आप देख सकते हो कि एक्सप्लोरेटरी और कंक्लूसिव. एक्सप्लोरेटरी होती है, एक कंक्लूसिव होती है. और जो कंक्लूसिव होती है वो भी दो तरीके से हो सकती है, एक आपकी कॉजल हो सकती है और एक आपकी डिस्क्रिप्टिव हो सकती है. डिस्क्रिप्टिव भी दो तरीके की हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है और क्रॉस सेक्शनल हो सकती है. लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है और क्रॉस सेक्शनल हो सकती है. एक होता है रेफरेंस पीरियड, मतलब जितनी देर के लिए आप रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च पीरियड. रेफरेंस पीरियड को बेस बना के दो तरीके की रिसर्च होती है, दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव, दूसरी होती है प्रोस्पेक्टिव.
अगर आप पास्ट को फोकस कर रहे हो, व्हेन यू आर लुकिंग बैकवर्ड, पीछे की तरफ देख रहे हो, तो वो क्या होती है, वो आपकी रेट्रो होगी। और व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, वो कौन सी हो जाएगी, दैट विल बी प्रोस्पेक्टिव रिसर्च। जो फ्यूचर के बारे में बात करोगे, दैट विल बी प्रोस्पेक्टिव रिसर्च। क्लियर? बताइए, किसी को इस बात में कोई दिक्कत समझ आया? कितने टॉपिक्स करवा दिए जल्दी से बताओ, कमेंट्स में लिखो कितने टॉपिक्स करवा दिए। लेट मी टेल यू, रिसर्च बेसिक्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च नीड ऑफ रिसर्च व्हाट इज नॉट रिसर्च रेलेवेंस ऑफ रिसर्च मोटिवेशन फॉर रिसर्च फीचर्स ऑफ रिसर्च। और क्या करवा दिया, प्रोसेस ऑफ रिसर्च रिसर्च पैराडाइम रिसर्च मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स रिसर्च प्लान रिसर्च डिजाइन। और क्या क्या बता दिया, अप्रोचेस टू क्वांटिटेटिव रिसर्च। रिसर्च और क्या था, टर्म्स रिलेटेड टू पैराडाइम, पैराडाइम से रिलेटेड सारी टर्म्स भी करवा दी। थ्री आर्स ऑफ रिसर्च। और भी बीच में छोटे छोटे इक्का दुक्का टॉपिक हैं, वो होते रहे। यस, सोर्सेज ऑफ नॉलेज, सोर्सेज ऑफ नॉलेज भी करवा दिया। और क्या करवा दिया, और बताओ फटाफट से, एपिस्टीमोलॉजी, ये तो टाइप्स हो गए सारे। अरे बीच में सब टॉपिक तो बहुत सारे आ जाएंगे, ऐसे सब टॉपिक्स तो बहुत सारे आ जाएंगे। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। 60 मिनट, 20 टॉपिक्स, इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे जल्दी ही, इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे जल्दी ही। जैसे ही वीडियो एंड होगी, सब बच्चों ने कमेंट करके जाना है,
ताकि इसी तरीके की और धांसू टाइप अपने आप अपने हिसाब से चलने वाली वीडियो है वो और भी मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूं। इसी तरीके से बड़ी बड़ी क्लासेस, बड़े बड़े टॉपिक को छोटे 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 ऐसे क्विक रिवीजन आप लोगों को करवाता रहूं। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा आज की क्लास में, ना अच्छा लगा? चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ कैसा लगा, जल्दी बताओ फटाफट। कल लॉजिक और रीजनिंग की क्लास लेंगे, कल लॉजिक और रीजनिंग पढ़ाएंगे। यस, कल पढ़ेंगे लॉजिक और रीजनिंग, टेंशन मत लो। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, ऐसे ही और क्लासेस भी आप लोगों के लिए लेके आऊंगा जिसको हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल हम शाम को 7 बजे पढ़ेंगे लॉजिक और रीजनिंग का रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।